पहली बार राम राम। मैं आपका अपना छोटा भाई धीरज शर्मा, गांव से लोक रहा था। आज मैं अपना नया भी लोग ला रहा हूँ। तो भाई ये देखो, मनीषा बना रही है पकौड़ी। मनीषा किस चीज़ की बना रही है? आलू पालक प्याज की। ओहो, मुखिया जी उठ गए, जा रहे हैं अपना कंबल बिस्तर लेकर। बाली सा आ गई है, पुनीत ले आया था। किस टाइम आए थे? अभी आए थे। देखो भाई, चाय पकौड़े चल रहे हैं इनके तो। किस टाइम आया था? 9:30 बजे। मैं कल पार्क में था, इस समय मैंने कही थी कि 5 मिनट रुक जा, मैं अभी छोड़ दूंगा। आ जा गौरव। मैं इतना आया तो भाई खा लो पकौड़ी। कैसा है गौरव? मैं जिम करके आया हूँ, प्रोटीन तो मैंने पी लिया। पकौड़ी खा लू यार, आज तो चावल खा ना सकूं मैं, क्योंकि आज गैस गैस ने भाई चावल ना खाए करे ना इस साइड। क्या तो भाई, चाय पकौड़े चल रहे हैं यार। अरे पनीर ना लाए, पनीर के पकौड़े बना लेती। हाँ अभी तो है ना, कई दिन नहीं, बस तो कल बना लियो। पनीर के ज़्यादा बढ़िया लगा पकौड़े। ना मैं ना पीऊँ चाय। चला यार मैं थोड़े बहुत पकौड़े खा लूँ, उसके बाद भाई फिर मैं नहाऊँगा। ये भी उठ आए, इनके तो चाय नाश्ता चल रहे हैं। जा नहा ले, कॉलेज जाओगे तो आज? मैं जिम तो हो आया था यार, अलीसा तभी मिल लिया सुबह सुबह। तो अब चला यार मैं जा रहा हूँ मामा के घर, मम्मी ने लेके कि मम्मी मामा के जान के कह रही है। तो मैं कहा चलो, क्योंकि भाई वो गोला दे का आने इस वाले भैया दोज पम गए ना थे, क्योंकि ब्याह के चक्कर में बुआ के छोरे का भी ब्याह था और फिर सिस्टर का भी ब्याह था, तो इस चक्कर में काम कूम में वहाँ जा ना पाए। तो अब जा रहे हैं भाई, तो नो यार मम्मी मामा तो गोले भी दे देगी और अपने एक दो दिन वहाँ रुक भी जाओगी, घूम ही आऊँगे। मम्मी नु कह रही है कि परसों आऊँगे, आज चल के परसों मतलब सुबह। तो मगर मर्जी आपकी। मैं तो नू सोच रहा था कि मैं कहा मैं ना जाऊँ, मेरे जी में तो ना थी जान की। फिर मम्मी बस में जाती है अकेले, वो सामान भी है बैग बूग, तो इस चक्कर में मैं कहा चलो मैं चल ही रहा हूँ। नू है क्योंकि कल तो संडे ही है, कल तो छुट्टी है, सोमवार ना हम आई जाऊँगे। तो चल है भाई, पर वहीं चल के मिलेंगे आपसे। वो बैठी दादी, ये रे ताऊ जी। तो जाऊँ मां मैं? राम राम। ऐसे है ठीक है ताऊ जी, नमस्ते। जा रहा है? हाँ चल है भाई। मामा के घर यार, तो मामा जी तो हैं भाई फरीदाबाद में। मामा जी वंश, और वंश के मामा भी आ गए आज, गौरव। गौरव नाम है ना मामा का, वे भी आ गए हैं भाई। तो जो देखो मामा का छोटा छोटा तो गेम में लग रहा है वीर। मामी जी अंदर रसोई में, मम्मी भी और नानी भी आ रखी है, मतलब मामी की मम्मी। तो ये रही अपनी मम्मी। मामी कहाँ है? कपड़े धो रही है? कपड़े। तो भाई मामी तो अभी कपड़े धो रही है, मामी ने तो मैं आपते बाद में मिला दूँगा। तो यार मैं मामा जी की बात देख रहा था, अभी फ़ोन कर रहा था, तो मामा जी ने कह रहे हैं कि भाई मैंने तो अभी टाइम लगेगा 1 घंटा। मगर मैं फरीदाबाद में हूँ, मगर के करण गए हो? वो कह रहे लैपटॉप लेना था वंश के ताई, तो इस चक्कर में वहाँ चले गए यार। मतलब मैं आया हूँ, मेरे आने तो 5-10 मिनट पहले ही चले गए। मामा ने कह रहे तू मेरे द्वारा फ़ोन नहीं कर देता तो मैं तने भी लेकर चल देता। मगर कोई ना ना करे फोन, मका घर ही मिलोगे और कहाँ होगे। तो उन्होंने कह रहे रुक जा मैं आ ही रहा हूँ। तो यार इतना मामा आ जा, मैं वेट कर रहा हूँ उनका, इतना मैं थोड़ी देर लेट लूँ भाई। यार बुरी हालत होगी, रास्ते में आ रहे थे जब एक्टिवा पे, एक तो यहाँ जाम मिला है, वहाँ पुल है एक, वहाँ जाम मिला और उबड़ खाबड़ रास्ता, दुखी होगा मैं तो। चलो यार इतना मैं थोड़ी देर भाई लेट लूँ, मामा आऊँगे, मामा तभी मिलवाऊँगा। मामी फिलहाल कपड़े धो रही है, एक बार मामी कपड़े धोने के बाद फिर मामी तभी मिलवा दूंगा अपने। इस तो मिली रहे, मिली लियो जो लग रहा गेम में। देखिए कि तू 24 घंटे गेम खेल रहा है क्या फोन में? अभी तो स्कूल अरे
कि चार्जर तोड़ रखा है जो इमें टेप मार रखी इतनी की ने तोड़ा था मैंने तू ही तो तोड़ा है नहीं मैं बनाने में उसने जब गाजर ना तलती रहती हूँ ना जब ही मैं छक जाती हूँ हेलो तू ही का देखो भाई मेरी मामी व्लॉगिंग कर रहे है ना तो मामी अपनी व्लॉगिंग कर रही है मैं अपनी कर रहा हूँ और कर व्लॉगिंग करा कर भाई ये लड़का हमारा व्लॉगिंग कर रहा है अपनी मैं जा रहा हूँ यार एक बार यहाँ मार्केट में मिठाई लेन क्योंकि मैं घर तक तो मिठाई लाया ना था हालांकि जब रास्ते में आ रहे थे मम्मी कह रही थी कि यहाँ तो मिठाई ले ले पर मैंने वहाँ कर दी थी मना कि मैं कहना मैं वहीं से ही ले आऊँगा क्योंकि यार भाई आन लग रहा था तो रास्ते में एक तो जाम था उस चक्कर में दिमाग खराब हो रहा था फिर स्कूटी पर सामान भी रखा था मतलब आगे बैग रख रखा था तो इतनी जगह भी नहीं मिठाई रखने की यार फल फ्रूट रखने की तो मैं मम्मी तेन बोला मैं कहा वहाँ पहले मामा जी के घर पहुँच जाऊँ फिर उसके बाद मैं अपने आप खुद ही ले आऊँगा तो यार चला भाई मामा जी तो यार अब तक आए ना कम तो कम भी एक डेढ़ घंटा होगा अब पता ना किस टाइम आऊँगा किस टाइम ना मैंने तो पहले ही फ़ोन कर रहे थे घंटा पहले ही कि मैं कहाँ हो तो जब बता रहे थे भाई मैं फरीदाबाद में हूँ लैपटॉप लेना आया हूँ उसके ताई तो यार अब तक तो आए ना तो मैं कहीं इतना महंगी जा के मिठाई ले आऊँ तो मैं उनकी बाट देख रहा था अब तक ना आए भाई तो चल यार मैं पहले मिठाई ले आऊँ आज पता ना कौन सा लैपटॉप लाऊंगे ऐसा कि कति छाट के अलग ही लाऊंगे वो भी ना पता मैंने तो चल यार एक बार मैं मिठाई ले आऊँ भाई उसके बाद फिर वापस यहीं आऊँगा और कहीं तो जा ना सकूँ क्योंकि यहाँ मैं किसी ने जानूँ भी ना हूँ यहाँ मैं बहुत कम रुकूँ ना यार मामा के मेरा जीना लगे इसमें कोई बात ना मतलब इतना जीना लगे क्योंकि यहाँ ना कहीं बाहर घूमने जा सके ना खेलने जा सके गाँव में तो नूँ है तिंगे तिंगे कहीं भी निकट जाओ पार्क में चले जाओ वॉलीबॉल खेलन अब यहाँ काम है खेलने जाऊँगा ना यहाँ कोई यार दोस्त मेरा फिर मामा के छोरे भी भाई छोटे छोटे हैं इनके गैल भी कहाँ घूमूँ मैं एक तो देख लिया वीर वो तो घना ही छोटा है मेरे तय वंश है वो भी छोटा है वो फिर मामा जी के ही साथ चला गया आज फरीदाबाद आज उनकी बाट देख रहा था भाई अब तक तो आए ना यार नहीं मैं आ गए लेकिन स्वीट्स के नाम तो है रेस्टोरेंट सा मैं कहीं पी ले जाऊँ और तो मैंने जगह पता नहीं उन्हें मैं मामा के घर तो सीधा गली तो निकट के जैसी मेन रोड पाऊँ जो रास्ते में पड़े सीधी दुकान तो इसी में आ गया तो ये मिठाई थी मैंने ये 2 किलो गुलाब जामुन करवा दिए भाई पैक ऑर्डर दे दिया भाई पैक करन लग रहा है मैं कहीं थी पैक करवा लूँ यार फल और लेने का फल फ्रूट खाते लूँ होगी इंगे तिंगे कोई रेडी है दुकान उनका तो ले लूँगा और तो कर रहा भाई अंकल 1 किलो करना अलग अलग हाँ मैं मिठाई ले आया तो घर आ गया मामा जी भी आ गए दोनों मामा जी आ गए वंश भी आ गया तो मामी भाई मैं सोच रहा था कि वंश ला रहा अपने ताई लैपटॉप पर मामी ना बताइए मामी ला रही है अपने ताई लैपटॉप तो मामा जी लेने गए थे व्लॉगिंग के चक्कर में लैपटॉप खरीद लिया मामी ने तो भाई देखो केक भी कट रहा है ये देखो काटो ये रे भाई ये और वंश ये ना करे चलो काटो केक ये देखो भाई मामी जी अपने व्लॉगिंग के लिए बोल रही है तो मामी जी भी व्लॉगिंग कर रहे हैं ना तो वंश वीडियो बना रहा है मैं तो भाई सच में ही नहीं सोचा था कि वंश अपने लिए ला रहा है तो मैंने आप पता चली है मामी ने बताई है कि भाई मैंने मंगवाया था क्योंकि मामी अपनी वीडियो एडिट वगैरह कर रहे हैं ना तो फोन में दिक्कत हो मामी जी ने तो इससे ही लैपटॉप ही मंगवा लिया भाई फिर उसके बाद कौन खाएगा भाई खाएगा मैं तो बढ़ती हूँ
मेरी मम्मी का गाइस आज फास्ट है ऐसे को। तो ये देखिए गाइस, सबसे पहले देख के वो जार निकालेंगे। अब करेंगे गाइस व्लॉगिंग दबकर। अब तक फोन में परेशान हो रही थी मैं। एस्पायर 5 है गाइस ये। अब तक फोन में हो रही थी परेशान, ये देखिए गाइस। डिस्कॉर्ड। बिल्कुल पतला सा है, सुंदर सा। ये अच्छा लग रहा, बहुत खुश हूँ मैं, बढ़िया। थैंक यू गाइस, थैंक यू। इस खुशी में मेरे साथ खुश है ना, उसको कमेंट करके बताना है कि आपको भी मेरी जितनी खुशी हुई। क्या भाई, मैंने अपनी मेहनत है लैपटॉप लिया है तो कितनी खुशी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती, आप अंदाजा लगा नहीं सकते मेरी खुशी का। तो व्लॉग मेरा यहीं पर एंड करूंगी, आज का व्लॉग स्पेशल लैपटॉप पर ही था। और मैं सुबह से किचन में लग रही हूँ कुछ ना कुछ बनाने में और सभी को हैप्पी करने में। गाइस हमारी दीदी अब आई है, इनका शादी थी एक भांजे की और एक जेठ की लड़की की। तो भाई हमारे गोले आ रहे हैं इतनी लेट हमारे गोले के भैया दोस्त की जोड़ी हो जाएगी। ऐसे होता है, मनस्कार कर लेते हैं जब आओ जब दे दी। वीर अपनी बुआ के पैर ना छुए, घोड़े ले कर नहीं। तो भाई मामी लैपटॉप भी ले आई, मामी का लैपटॉप आ गया यार। मम्मी ने मामा जी थे घोड़े भी दे दिए, तो भाई केक भी कट गया। तो मामा जी गए हैं अब कलेक्शन पे पैसे लेने। तो वीर तो भाई सो गया, वंश की चल रही है पढ़ाई, इसके पेपर है। तो भाई इसी के साथ आज का अपना व्लॉग हुआ है कंप्लीट। अब आप तक कल मिलेंगे अपने नए व्लॉग में। तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो करो बढ़िया तरीका करना। ओके बाय, राम राम।